गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली है जिसे शायद बच्चों ने पूरा नहीं सुना है और डायरेक्ट ही मैसेज कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई वीडियो सुने तो उसे पूरा सुने लास्ट तक, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि न्यूज़पेपर में आज एक नोटिफिकेशन आई है जिसके रिगार्डिंग बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड की जो काउंसलिंग है 2018 की, वो हो रही है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ना कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ओके, तो आप लोगों को मैं उसी वीडियो को एक छोटे से तरीके से बता देता हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कितने मार्क्स से लेके कितने मार्क्स तक के बच्चों को बुलाया गया है, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रहा था जो कि पहले की थी, ठीक है। बीएड का जो रोस्टर है वो बन चुका है, वो आज शाम तक या कल सुबह तक आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की साइट पे, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर ने न्यूज़ में दी रखी है अपनी न्यूज़पेपर में, वो मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल शब्दों के बीच में शेयर करूंगा। अब आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा उसको समझना। और जो पीडीएफ मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूँ उसमें से आप लोग ये चेक कर लेना कि आप लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं और आप लोग वो काउंसलिंग अटेंड करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना चाहते, वो गवर्नमेंट कॉलेज वाली काउंसलिंग ना अटेंड करें, वो बाद में प्राइवेट के भी कर सकते हैं, अदरवाइज कर सकते हैं। आप एक बार यूनिवर्सिटी के नंबर पे कॉल कर लेना, यूनिवर्सिटी बीएड डिपार्टमेंट का नंबर आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग 01772830911 पे कॉल करके पूछ सकते हो कोई भी आप लोगों की क्वेरीज होगी, ठीक है। अब जो वो नोटिफिकेशन थी, जो वीडियो मैंने डाली थी, उस वीडियो को, जो 11 मिनट की वीडियो थी, उसको मैं एक छोटे से टर्म में आप लोगों के सामने अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनते रहना, ठीक है। जो बीएड काउंसलिंग शेड्यूल बना है वो 2018 के लिए सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो कि सिर्फ दो कॉलेज हैं जिसमें टोटल सीट है 350, ठीक है। अब दो गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, एक तो धर्मशाला कॉलेज है और दूसरा यूनिवर्सिटी कैंपस। 350 सीट्स हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सीटें बड़ी हुई हैं, सीटें बड़ी नहीं है, जितनी पहले थी ऑलरेडी उतनी ही है, 350 सीट्स। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन सी तारीख को किस डिपार्टमेंट को बुला रखा है जो कि न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। तो पहले 3 अक्टूबर को बुला रखा है हमारे मेडिकल स्ट्रीम को। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चे के होंगे वो 114 न्यूज़पेपर में दे रखे हैं, जितने न्यूज़पेपर में दे रखे हैं उतने ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, और 85 मिनिमम मार्क्स वालों को, इसमें कैटेगरीज वाले इंक्लूड हैं। तो टोटल जो सीट्स होंगी वो होंगी 70। तो आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप उसमें से अपने मार्क्स देख सकते हैं कि आप लोग इस दिन काउंसलिंग में जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपके इस काम की रहेंगी, 85 से लेके 114 मार्क्स वाले, उसमें अपने मार्क्स देख सकते हैं। और किसी भी क्वेरीज के लिए नंबर मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी का दे रखा है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, अदरवाइज रोस्टर आ जाएगा आपको एक आध दिन में। नेक्स्ट हमारी है नॉन मेडिकल की। तो नॉन मेडिकल की होगी 4 अक्टूबर को। इसमें जो बुला रखे हैं बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स हैं 115 और मिनिमम मार्क्स हैं 82। टोटल सीट्स हैं इसकी 128। फिर से कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन है वही आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। नॉन मेडिकल 4 अक्टूबर, मैक्सिमम मार्क्स 115, मिनिमम मार्क्स 82। ओके, सीट्स होंगी जो 128 होंगी। इसके बाद हमारी आती है आर्ट्स एंड कॉमर्स की, ठीक है। आर्ट्स एंड कॉमर्स में इन्होंने जो दे रखी है वो तो दे रखी है 114। आई थिंक मार्क्स तो ज्यादा हैं बच्चों के, बट जो न्यूज़पेपर में है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मिनिमम मार्क्स 62 तक बच्चों को बुला रखा है, और जो सीट्स हैं वो हैं 98, ठीक है। मिसप्रिंटिंग हो सकती है न्यूज़पेपर की, बिकॉज आर्ट्स के मार्क्स ज्यादा हैं मेरे हिसाब से। तो न्यूज़पेपर में जो था वो आप लोगों को मैंने बता दिया, इतना सा था। पिछली वीडियो में पूरा न्यूज़पेपर मैंने उसमें डाल रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना उसको आप ध्यान से। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल था जो कि किसी न्यूज़पेपर से मैंने लिया था आज, जो आप लोगों को तक पहुंचा दिया। और जो वीडियो है जो मैंने आप लोगों को बताई है, पिछली जो मेरी वीडियो है उसमें से आप लोगों को कुछ मिनट्स कन्फ्यूज हो रही है, जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी उस तरह से आप लोगों ने समझा नहीं। जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी वो मैंने ये दिखाया था कि आप लोगों को कितने मार्क्स आप लोगों के हैं, कितने मार्क्स से कितने मार्क्स तक बच्चे थे लास्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपने मार्क्स काउंट कर सकते हो। इनमें से अगर आप लोग आते हो तो आपकी काउंसलिंग होगी और आपको यूनिवर्सिटी
एचपीयू की साइट पे आज रोस्टर मिल सकता है या कल मिल सकता है, और उस पर मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, कैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। और जो ये जो काउंसलिंग हो रही है वो ऑफलाइन हो रही है यूनिवर्सिटी कैंपस में, एचपी यूनिवर्सिटी शिमला समर हिल, ठीक है। तो ये वीडियो थी, आप लोग इसके हिसाब से देख सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बता देना। ओके, थैंक यू।